अम्बाला कैंट के गांधी ग्राउंड में कार्यालय विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय की ओर से 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिल्पकारों की हैंडमेड आइटम्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें रोजाना अनेक लोग देखने के लिए आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। मेले में हाथ से बनी ज्वेलरी और मूर्तियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं शिल्पकारी को उभारने के लिए भारत सरकार भी शिल्पकारों को सहयोग दे रही है। शिल्पकारों का कहना है कि कोरोना के बाद उनके कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रदर्शनी में आना शुरू किया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार की जमकर तारीफ भी की। सर, मेरा कपड़े का बिजनेस था अपना, अभी थोड़ा कोविड के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस हो गया कि बिजनेस नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने ये वाला स्टॉल्स एग्जीबिशंस वगैरह में आना स्टार्ट किया, एग्जीबिशंस लगानी स्टार्ट की, जिसमें हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपना सामान बना के बेच पा रहे हैं और अपनी जीविका जो है निभा पा रहे हैं। जो अपना घर का खर्चा है, सब कुछ है, उससे वो जुड़ के हम कर पा रहे हैं। इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। हमें जैसे हमने एग्जीबिशंस में ये बना के ला रहे हैं, अपना सारा प्रोडक्ट्स बना के ला रहे हैं, सारा हैंडमेड, सारा अच्छी सेल पे जा रहा है और हमारे को बचत भी अच्छी हो रही है और हमारे को इनसे सहायता भी मिल रही है। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट किया है, आने जाने का, रहने का सब व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए की है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हमको दिया। वही मेला देखने आए लोगों ने भी सरकार की जमकर सराहना की। हमें ये जो इनकी कुर्तियां हैं ये ज्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि यहाँ अम्बाला में शायद ऐसी चीज मिलती नहीं है और पहली बार यहाँ आया है। एक बार शायद पहले आया था, लेकिन ये पहली बार मिला है। और यहाँ की जो राजस्थानी चप्पल्स हैं या जो बनी है वो बहुत अच्छी है जी, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो हम जो भूलते जा रहे चीजें ना, ये आज हमें मिलने को मिली है जी। हाँ, प्रता जी, हाँ जी, अच्छी चीज़ है भाई। जो आज का जो सामान आ रहा है उससे ये सामान बढ़िया है, मिले आगे भी लगने चाहिए, लगने चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि अब जमाना पुराना आता जा रहा है, द्वारा लोग पुराने जमाने को पसंद करते जा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक कुमार मीणा से बात की तो उन्होंने बताया कि ये भारत सरकार का हस्तशिल्प विभाग है, जो देश भर के हस्तशिल्प कलाकारों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें 100 स्टॉल बाजार में बनाकर शिल्पकारों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार का एक विभाग है, जो अपने देश भर के जो हस्तशिल्प कलाकार है उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हमें इस क्राफ्ट बाजार में 100 स्टॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देते हैं। उनको डेली का PA और DA, मतलब आने जाने का भाड़ा, मेले में एक बार आएगा एक बार जाएगा, 1000 रुपये पर आर्टिजन मिलता है और 500 रुपये पर डे उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। और जिसे अपने ये डायरेक्ट अपने ग्राहकों को डायरेक्ट अपना सामान का, अपने उत्पाद का डायरेक्ट सेल कर सके, कोई बिचौलियों का काम नहीं, इसे बिचौलियों से बचाने के लिए ये स्कीम हमें प्रोवाइड करते हैं इनको। अब देश भर में हमारे देश भर से कलाकार आते हैं और ये देश भर में ये इवेंट चलती रहती है। एग्जीबिशन हुआ, एक्सपो हुआ, क्राफ्ट बाजार हुआ, गांधी शिल्प बाजार हुआ, इस तरह से देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में ये इवेंट चल। आपको बता दें कि इस मेले से शिल्पकारों का मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। शिल्पकार अपनी शिल्पकला को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी शिल्पकारी को उभारने के लिए कार्यालय विकास आयुक्त भारत सरकार भी इन्हें सहयोग दे रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए अम्बाला से किरशन बाली की रिपोर्ट।